प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वे सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे साबरमती डी केबिन के पास रेलवे के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का आधारशिला रखा और राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद पीएम साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा, साबरमती आश्रम 120 एकड़ में फैला था, जो धीरे धीरे अतिक्रमण के चलते 5 एकड़ जमीन में सिमट गया था। एक समय यहां छोटे छोटे 63 घर बने थे। हमने यहां की 55 एकड़ जमीन मुफ्त करवाई। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने यहां की विरासत को बचाने की कोशिश ही नहीं की। इसका कारण उनकी तुष्टिकरण की नीति थी। इसी के चलते हमारे देश की महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती चली गई। अतिक्रमण और अस्वच्छता, अव्यवस्था, इन सभी ने हमारी विरासत को घेर लिया था। देवी और सज्जनों, पूज्य बापू का यह साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है और मैं जैसे हर किसी को जब जब यहां आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो, गरीब और वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, साबरमती आश्रम बापू के इन मूल्यों को आज भी सजीव किए हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहां साबरमती आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया है। बापू के पहले जो पहला आश्रम था, शुरू में जब आए वो कोचरब आश्रम, उसका भी विकास किया गया है और मुझे खुशी है कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है।